रुपए जुर्माना बिना सीट बेल्ट, 500 रुपए जुर्माना बिना इंश्योरेंस, 2000 रुपए जुर्माना बिना परमिट, 10000 रुपए जुर्माना बिना लाइसेंस, 1000 रुपए जुर्माना, हॉर्न का शोरगुल 1 से 3000 रुपए जुर्माना, वायु प्रदूषण 10000 रुपए जुर्माना, ओवर स्पीड पर 1 से 3000 रुपए जुर्माना हो सकता है, गाड़ी चलाते समय फोन पर बात करने पर 3000 रुपए जुर्माना लगेगा, तो वहीं आपातकालीन वाहन का रास्ता रोकने पर 10000 रुपए का जुर्माना लगेगा। तो ये अब जारी हो चुका है, पूरा चार्ट है कि आखिर किन किन स्थितियों में किस तरह के और कितने कितने के चालान लग सकते हैं, ये पूरा चार्ट जारी हुआ है। तो अब ये वाहन चालकों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी खबर हो जाती है, चूंकि नया ये चार्ट जारी हुआ है, जुर्माना राशि आखिर क्या क्या निर्धारित की गई है, कहां कहां के लिए, ये एक बार फिर से आपको हम बता देते हैं। तो बिना हेलमेट के 300 रुपए जुर्माना होगा, बिना सीट बेल्ट के 500 रुपए जुर्माना देना होगा, बिना इंश्योरेंस 2000 रुपए जुर्माना, बिना परमिट 10000 रुपए जुर्माना आपको देना होगा, अगर बिना लाइसेंस के आप पाए गए हैं तो 1000 रुपए जुर्माना आपको देना होगा, वहीं हॉर्न का शोरगुल 1 से 3000 रुपए, इस पर जुर्माना लगेगा, वायु प्रदूषण की हम बात करें तो इस पर 10000 का जुर्माना लगाया जा सकता है, ओवर स्पीड अगर आपकी रहती है तो 3000 रुपए आपको भरने होंगे, गाड़ी चलाते समय अगर फोन पर बात करते हुए आप पकड़ा गए तो 3000 रुपए आपको देना होगा, आपातकालीन वाहन का अगर रास्ता आपने रोका तो इस पर 10000 का जुर्माना लगेगा। और सहयोगी अलग अलग जगह से हमारे साथ जुड़ गए हैं, शैलेंद्र भदौरिया हैं भोपाल से, तो वहीं सुशील कौशिक ग्वालियर से हैं, अजय पटवा उज्जैन से हैं, सौरभ पांडे शहडोल से हैं। सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं शैलेंद्र भदौरिया का। शैलेंद्र, ये जो नया चार्ट जारी किया गया है राशियों का कि आखिर ये नियम तोड़ने पर इतना जुर्माना, ये नियम तोड़ने पर इतना जुर्माना, आखिर क्या लगता है, ये बड़े नियम लागू कर दिए गए हैं, राशि भी तय कर दी गई है, कितना प्रभाव इससे आम लोगों पर पड़ेगा, क्या इसको सीरियसली लेंगे लोग? देखिए बिल्कुल ऋतु, मध्य प्रदेश के अगर आंकड़े उठाकर देखें तो सड़क हादसे जो है वो स्थिति को बताते हैं कि मध्य प्रदेश में हालत कितने खराब है, लोग जो है ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं, इसको लेकर तमाम तरह के अभियान जो है वो ट्रैफिक विभाग के द्वारा चलाए भी जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी देखने में आता है कि लोग लापरवाही बरतते हैं और उस लापरवाही लोग ना बरते, और यही कारण है कि अब भारी भरकम जुर्माने की जो राशि है वो रखी गई है, ताकि लोग जो है वो जुर्माने की राशि के डर से शायद नियमों को फॉलो करें। लेकिन जो तस्वीरें आप देख रहे हैं कि अभी भी जो लोग हैं वो जागरूक नहीं है। देखिए कुछ दिन पहले ही जबलपुर हाईकोर्ट की तरफ से बाकायदा निर्देश भी जारी किए गए थे एमपी पुलिस के लिए कि जो बढ़ते हुए ट्रैफिक के चलते जो दुर्घटनाएं हो रही हैं या जो नियमों के पालन न होने के चलते जो दुर्घटनाएं हो रही उसको रोकने के लिए क्या एक्शन प्लान है। उसके बाद मध्य प्रदेश पुलिस की तरफ से बाकायदा निर्देश जारी किए गए थे सभी पुलिस अधीक्षकों को, 50 दिन तक लगातार ट्रैफिक अभियान चलाने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन हमने देखा कि वो अभियान जो है वो एक सप्ताह तक भी नहीं चल पाया और लोग जो है इतने ये कहे बेपरवाह है कि अपनी जान की परवाह नहीं करते हैं, बल्कि केवल पुलिस जब उनको दिखती है तो ट्रैफिक नियमों का वो पालन करते हैं। तो ऐसे में बहुत आवश्यक हो जाता है कि लोगों को जागरूक करने के लिए जुर्माने की राशि को बढ़ाया जाए, जिस तरीके से केंद्र सरकार ने कुछ दिनों पहले जुर्माने की राशि को बढ़ा दिया था लेकिन मध्य प्रदेश में वो राशि लागू नहीं हो पा रही थी किन्हीं कारणों के चलते, और यही कारण है कि इस जो केंद्र के समान जुर्माने की राशि बढ़ाने के लिए जो है वो एक याचिका दायर जबलपुर हाईकोर्ट में की गई। तो जबलपुर हाईकोर्ट की इस याचिका पर सुनवाई चल रही थी उसी दौरान मध्य प्रदेश सरकार ने एक अधिसूचना पत्र जो है वो अब दिया है और कहा है कि जो राशि है केंद्र समान अब मध्य प्रदेश में भी लागू हो जाएगी, लेकिन वर्तमान में उसका कोई असर देखने को राजधानी भोपाल की सड़कों पर नहीं मिल रहा है। उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग जागरूक होंगे और अपनी जान बचाने के लिए के प्रयास वो जरूर करेंगे, और यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो अपनी जान के साथ तो खिलवाड़ करेंगे ही करेंगे, बल्कि उनकी आर्थिक स्थिति पर भी उसका असर पड़ सकता है। पर सवाल यहाँ पर शैलेंद्र ये भी है कि 2019 से ये पूरा मामला जो है पेंडिंग था, केंद्र समान राशि जो है वो लगाने के लिए कही गई थी पर मध्य प्रदेश में नहीं माना गया था, चूंकि ये कहा जा रहा था कि नहीं इस पर गरीब जो है उन पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ेगा, परेशान होते हुए नजर आएंगे आम लोग भी, पर
इतने समय से लागू नहीं हुआ, ठीक है, पर आखिर नियमों में बदलाव मतलब हमने सड़कों पर क्या देखा? कुछ बदलाव हमने देखा? इतने अभियान चलाए जाते हैं ट्रैफिक पुलिस के द्वारा, कुछ अलग देखा गया हो या जागरूक जनता देखी गई हो, ऐसी तस्वीर भी हमें देखने को नहीं मिली? सड़क सुरक्षा अभियान की बात हो या फिर जिस तरीके से अभी जिस बात का मैंने जिक्र किया, हाईकोर्ट के निर्देश के बाद 50 दिन का जो विशेष ट्रैफिक अभियान चलाने की बात हो, जब ट्रैफिक अभियान चलता है तब जो है लोगों में अवेयरनेस देखने को मिलती है। लेकिन जिस तरह की तस्वीरें जो है वो आपको मैं दिखाऊं कि वर्तमान की अगर हम तस्वीरों को देखें तो कोई भी व्यक्ति जो है वो बहुत ही कम लोग हैं जो हेलमेट लगाए नजर आते हैं, अधिकांश लोग बगैर हेलमेट के ही सफर करते नजर आते हैं। तो ये बताता है कि जब अभियान चलते हैं तब लोग घरों से हेलमेट पहनकर निकलते हैं, क्योंकि जब खबरें वो देखते हैं कि पुलिस ने चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है तो वो घर से हेलमेट पहन के निकलते हैं। जैसे ही अभियान खत्म होता है उसके बाद स्थिति कमोबेश यही नजर आती है जो आपको तस्वीरों में नजर आ रही होगी कि इक्का दुक्का लोग ही है जो ट्रैफिक नियमों का पालन करते हैं। अधिकांश लोग जो है बिना हेलमेट के गुजरते हैं, टेलीफोन पर बात करते हुए गुजरते हैं, सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं, ट्रिपलिंग करते हैं। ये तमाम जो नियम है वो ट्रैफिक नियम को धता बताते हुए लगातार वो सड़कों राजधानी की सड़कों पर फर्राटे भरते जैसे लोग देखे जा सकते हैं। ठीक, लौटती हूँ आपके पास। सुशील कौशिक भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ग्वालियर का रुख कर लेते हैं, आखिर वहां पर कैसी व्यवस्था है, ट्रैफिक रूल्स लोग फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं, वो भी यहाँ पर भी जान लेते हैं। सुशील, मुझे याद आ रहा है जब 2019 का ये पूरा मामला था और कहा गया था कि केंद्र समान जो है राशियां यहाँ पर निर्धारित की जाएं और ऐसे फाइन लगाए जाएं, उस समय ये तर्क शायद दिया गया था मुझे जितना याद आ रहा है कि नहीं, बिना इतने ज्यादा फाइन बढ़ाए ही हम यहां पर सख्ती दिखा देंगे और अभियान के जरिए कहीं ना कहीं जागरूक हम यहां के लोगों को कर देंगे। क्या वाकई में ऐसा हुआ? कहें तो अभी जिस तरह से शैलेंद्र बताया था कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, फटकार के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने भी पूरे मध्य प्रदेश में अभियान शुरू किया था जिसमें सीट बेल्ट हेलमेट सहित तमाम मुहिम चलाने के लिए 50 दिन का ये प्रोग्राम था। लेकिन आप देखिए प्रोग्राम की हकीकत क्या है कि अभी आप देखिए ये यहाँ जो वाहन गुजर रहे हैं, जो लोग जा रहे हैं, आपको इनमें गिने चुने लोग ही नजर आएंगे कि जो हेलमेट लगाकर निकल रहे हैं या फिर जो ट्रैफिक नियम है उनका पालन कर रहे हैं। आप साफ तौर पर ये तस्वीरें इस बात का इशारा करती है, बयान करती है कि लोग जो हैं जो ट्रैफिक नियम है उनको लेकर कितने उदासीन है। आप देखिए किस तरह से ये सारा रेला नज़र आ रहा है और इसमें कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं ये वाहन चालक भी, ये जितने भी लगातार आ रहे हैं वाहन चालक, आपको इक्का दुक्का ही इनमें हेलमेट लगाए नज़र आ रहा है। यानी ये सभी लोग ना सिर्फ ट्रैफिक नियमों का जो मखौल है वो उड़ा रहे हैं बल्कि खुद की जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। तो निश्चित तौर पर अब जिस तरह से जो जुर्माना राशि केंद्र के समान मध्य प्रदेश में करने का जो शुरुआत हो रही है उससे कहीं ना कहीं हो सकता है कि अगर लोग जो है उसके जरिए जागरूक हो तो निश्चित तौर पर हादसों में कमी आ सकती है और ट्रैफिक नियमों का पालन भी करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी या ट्रैफिक विभाग है वो उस मंशा के साथ या उस शिद्दत के साथ इन मुहिमों को अंजाम नहीं दे पाते हैं जिसके चलते इसका व्यापक असर हो। मुहिम जो है ज़्यादातर देखने में यही आता है तमाम शहरों में कि वो कागजों पर सिमट जाती है। 50 दिन की मुहिम का जो शुरुआत की गई थी, 2-4 दिन वो मुहिम चली सीट बेल्ट हेलमेट और वो प्रदूषण के खिलाफ वाहनों को लेकर, लेकिन उसके बाद ये ठंडे बस्ते में चली गई। अब पुलिस सिर्फ जो है औपचारिकता भर इस तरह की मुहिम शुरू करती है। तो बात ये सही है कि जुर्माना बढ़ाने से कहीं ना कहीं एक प्रेशर तो रहेगा कि लोग नियम को पालन करें, ट्रैफिक नियमों को उससे खिलवाड़ ना करें, लेकिन ये तभी संभव हो पाएगा जब इनका पूरी मंशा के साथ पुलिस प्रशासन पालन कराए। ये यहाँ पर अगर हम बात करें, चाहे हेलमेट की बात हो, लाइसेंस की बात हो या एम्बुलेंस को रोकने की बात हो, इन पर तो जुर्माना यहाँ पर बढ़ाया ही गया है सिग्नल तोड़ने पर हो, पर यहाँ से हटके अगर हम बात करें अनफिट वाहनों की बहुत ज़्यादा तादाद है और कहीं ना कहीं इन अनफिट वाहनों की वजह से बड़े हादसे होते हैं और लोगों की जानें चली जाती है, यहाँ पर भी बड़ा जुर्माना लगाया गया है। क्या यहाँ पर इसका असर हमें देखने को मिलेगा? क्या माने? अजय, देखिए जिस तरीके से जबलपुर हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि 50 दिन तक एक मुहिम चलाई जाए
और आम लोगों को जागरूक किया जाए कि जिस तरीके से जो हेलमेट पहने और हेलमेट पहनने के साथ ही जो पीछे बैठने वाले हैं उनको भी हेलमेट पहनाने का जो है नियम लागू कराया जाए। इसी के साथ जो है जो कार चला रहा है उनको सीट बेल्ट पहनना भी अनिवार्य होगा। पर अभी हाई कोर्ट की जो नए दरें लागू हुई है और जो मोटर व्हीकल एक्ट का जो नए दरें लागू हुई है जो केंद्र सरकार के सामान्य दरों में रहेगी, पर जिस तरीके से जो देखने में आ रहा है कि जो हाई कोर्ट ने आदेश दिए थे कि प्रदेश में जो प्रशासन जो है मुहिम को चलाए, लेकिन उज्जैन में ये असर देखने को नहीं मिल रहा है। क्योंकि आप देख सकते हैं इस बार मैं टावर चौक पर खड़ा हूँ, यहाँ पर सबसे ज्यादा ट्रैफिक व्यवस्था रहती है, जिसके बावजूद भी यहाँ पर जो है इक्का दुक्का लोग ही जो है वो हेलमेट पहने नजर आते हैं। बाकी कई लोग जो है बिना हेलमेट के बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाते नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये है कि अब देखना ये होगा कि प्रशासन को जो नई लगे नई दरें लागू की गई है वो जो नई दरों को देखते हुए प्रशासन इन वाहनों को कितना लागू कराता है, क्योंकि जिसमें इमरजेंसी वाहन जो होते हैं उनको रास्ता रोकने पर भी अब जो है सबसे अधिक का जो है जुर्माना भुगतना होगा। लेकिन इसके साथ ही जो है बिना हेलमेट वालों के लिए 300 रुपये जुर्माना होगा और अन्य अलग अलग प्रकार के जो है जुर्माना लगाए गए हैं। हमारे साथ कुछ लोग इनसे बात करते हैं, हाई कोर्ट का आदेश है कि अब जो है आपने सुना होगा कि जब अपन छोटे थे तो शैतान बच्चों के लिए माँ बाप नियम बनाते थे कि बच्चे शैतानी ना करे, उसी प्रकार शासन ने भी नियम बनाए हैं मोटर व्हीकल एक्ट को। हेलमेट लगाना इतना आवश्यक होता है क्योंकि एक परिवार का जो मुखिया होता है अगर उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो उसकी सजा पूरे परिवार को भुगतना पड़ती है, इसलिए ये नियम सबको फॉलो करना चाहिए और हेलमेट भी लगाकर निकले और शासन को इन नियमों का कड़ी से पालन करवाना चाहिए। ये नियम अच्छा है, होना भी चाहिए, सीट बेल्ट हेलमेट में लेकर ले सकते हैं, नियम का पालन करवाना चाहिए। देखिए ये लोगों की राय है कि लोगों का ये कहना है कि जिस तरीके से बिना हेलमेट के जो लोग घूमते हैं उनको अपने परिवार वालों की चिंता होना चाहिए ताकि जो हेलमेट पहनने से वो खुद सुरक्षित रहेंगे दूसरों को भी सुरक्षित रखेंगे। इसी के साथ जो है कार चलाने वालों को भी हेलमेट जो बेल्ट सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है, क्योंकि जिस तरीके से बिना सीट बेल्ट के कार चलाते तो उससे जो एक्सीडेंट होता है तो उसमें जान का खतरा बन जाता है। ऐसे में जो इमरजेंसी वाहन है उनको उनका रास्ता रोकने पर भी भारी जुर्माना जो है लोगों को देना पड़ सकता है। ऐसे में अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन नियमों को कितनी सख्ती से पालन कराता है। बाकी सख्ती से पालन कराना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि हमारी सुरक्षा के लिए ये नियम बनाए जाते हैं और इसे फॉलो करना भी उतना ही जरूरी है। ठीक, सौरभ पांडे का रुख कर लेते हैं, शहडोल से वो जुड़े हुए हैं। सौरभ, आखिर शहडोल के क्या हाल है, क्या वहां पर भी स्थिति ऐसी ही बनी हुई है, ट्रैफिक नियमों की धज्जियां वहां पर भी उड़ाई जाती हैं और अब तो नए नियम लागू हो चुके हैं, अब अगर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं तो खैर नहीं। अब बिल्कुल, शहडोल में जो नए नियम है वो लागू हो चुके हैं, नई गाइडलाइन के बाद शहडोल पुलिस लगातार एक्शन मोड पे है। जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा, जो शहडोल है जो मध्य प्रदेश का आदिवासी इलाका है, यहाँ पे शहरी थाना अगर छोड़ दे संभागीय मुख्यालय शहडोल को तो तमाम थाने जो है वो ग्रामीण अंचल के हैं और ग्रामीण अंचल के थानों में जो बढ़ी हुई रकम है, जो नई गाइडलाइन जो नए जुर्माने आए हैं वो यहाँ पे जो परिवार या जो वाहन मालिक या वाहन चालक है वो इतने सबल नहीं है कि इन भारी भरकम जुर्मानों का वो रकम अदा कर सके, क्योंकि इसके लगातार शहडोल या शहडोल संभाग के क्षेत्रों में देखा जाता था, शहडोल पुलिस को या मध्य प्रदेश किसी भी थाना पुलिस को एक औसत टारगेट मिलता है कि आपको 20 से 25 चलान या 30 चलान थाना स्तर के हिसाब से उनको कार्रवाई दी जाती है कि इतने मोटर व्हीकल के एक्ट आपको काटने ही काटने हैं, तो पुलिस निश्चित तौर पर टारगेट पे काम करती है, तो चाहे वो ग्रामीण अंचल के थाने हो या शहरी क्षेत्र के थाने हो। तो जो ये बढ़ी हुई रकम है लोग निश्चित इससे जागरूक तो होंगे, लेकिन जो आदिवासी क्षेत्र है, जो आदिवासी इलाके हैं, जो ग्रामीण अंचल में थाने हैं, वहां जो आसपास के जो रहने वाले जो लोग हैं, ये समस्या अब उन लोगों के लिए ज्यादा बड़ी हो गई है कि बढ़ी हुई रकम को वो कैसे अदा करेंगे। अमूमन देखने को मिलता है जहां कहीं भी ट्रैफिक पुलिस या थाना की पुलिस कार्रवाई के लिए अपना स्पॉट तय करती है, वहां पे कार्रवाई से 50 मीटर दूर 100 मीटर दूर ही लंबी वाहनों की कतार लग जाती है, क्योंकि जब वाहन खड़े होते हैं तो पुलिस खड़े वाहनों पे चलानी कार्रवाई नहीं कर सकती है। तो निश्चित तौर पर बढ़े हुए जुर्मानों से जागरूकता तो आएगी, लेकिन आदिवासी क्षेत्रों में जिस हिसाब से एक आर्थिक दबाव गरीब परिवारों पर बढ़ेगा, कहीं ना कहीं वह भी एक चिंता का विषय है। शहडोल पुलिस की बात करें, आदिवासी क्षेत्रों में जो ग्रामीण अंचल के थाने हैं, ये तमाम पुलिस के लिए भी सर्दी बढ़ गई है कि जिनके पास छोटी रकम देने के लिए पैसा नहीं हुआ करता था, आज उन्हीं गलतियों के लिए, उन्हीं समस्याओं के लिए वो बड़ी राशि कहां से ला कर देंगे।
वाकई 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 ठीक लगातार सौरभ आप भी बने रहिए, शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, ये तमाम नियम कायदे लागू हो चुके हैं, पूरा चार्ट तैयार है कि इतना इतना फाइन लगेगा, चाहे हेलमेट नहीं पहना, सीट बेल्ट नहीं पहना, तमाम तरह के चीज़ों पर। यहाँ पर सवाल ये भी है कि नियमों की हम बात कर रहे थे, ये तो ट्रैफिक नियम हुए, वहीं हम फिटनेस की बात करें, गाड़ियों के फिटनेस की बात करें, उस पर कितना ध्यान दिया जाएगा। और हम भोपाल की तस्वीरें अभी लगातार देख रहे हैं स्टंटबाजी की, आखिर उस पर किस तरह से रोक लगाई जाएगी, उसके लिए किस तरह के फाइन होंगे, उसके लिए किस तरह की कार्रवाइयां होंगी। हॉर्न की हम बात करें, बेफिजूल हॉर्न हम बहुत ज्यादा देखते हैं, बड़े बड़े हॉर्न्स लगवा दिए जाते हैं और फिर वही पूरे शहर में बजाते फिरते हैं, तो आखिर इनके लिए किस तरह के नियम? देखिए, बिल्कुल, ध्वनि प्रदूषण हो या वायु प्रदूषण, दोनों के लिए ही बड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है। 1,000 से लेकर 3,000 तक जो है वो ध्वनि प्रदूषण को लेकर नियम बनाया गया कि 3,000 तक जुर्माना वसूला जाएगा। वहीं वायु प्रदूषण को लेकर 10,000 रुपए का, यानी आपके वाहन का अगर PUC नहीं है तो आपको 10,000 रुपए चुकाने होंगे, ये साफ तौर पर निर्देशों में लिखा है। और जिस बात का आपने जिक्र किया, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जिन वाहनों की फिटनेस नहीं है उनके लिए आखिर किस तरीके से सख्ती दिखाई जाएगी, क्योंकि देखे जब जब बड़े हादसे हमने देखे हैं, बस हादसे हो या फिर लोडिंग या दूसरे अन्य वाहनों में जिस तरह के सवारियां ठूस ठूस कर ग्रामीण इलाकों में ले जाई जाती है, और ऐसे में जब जब ये हादसे हुए तब तब ये बात सामने निकल कर आई है कि वाहन जो है वो अनफिट था। और हर घटनाक्रम के बाद मध्य प्रदेश का परिवहन विभाग तमाम तरह के निर्देश RTOs को जारी करता है कि वो अपने अपने इलाके में जो कंडम वाहन, खासकर ग्रामीण इलाकों में ये जो वाहन है वो वहां पर पहुंच जाते हैं। देखिए, शहरी इलाकों में तो लगातार चेकिंग होती है, तो ऐसे में जो कंडम वाहन होते हैं, अनफिट वाहन होते हैं, जिन लोगों की फिटनेस नहीं होती है, वो शहर से ग्रामीण इलाकों में बेच दिए जाते हैं या ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। वहां इन इलाकों में इन वाहनों के माध्यम से लोगों को ढोया जाता है, सवारियां ले जाई जाती है, और ये लगातार हादसे का शिकार भी होते हैं। हमने देखा कि लगातार जिस तरीके से जो बड़े बस हादसे हुए जिसमें कई लोगों की अपनी जान गंवाई, और उसमें जब जांच पड़ताल की तो पता चला कि बस का परमिट नहीं था या उसकी फिटनेस नहीं थी, तो न केवल 2-व्हीलर्स और 4-व्हीलर जो शहरी इलाकों में चल रहे उन पर जुर्माने की राशि बढ़ाने का तो काम कर लिया गया है, लेकिन बहुत अधिक आवश्यक है कि जो अनफिट वाहन ग्रामीण इलाकों में मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में दौड़ रहे उन पर प्रभावी कार्रवाई हो, क्योंकि देखिए जब यहाँ पर सवाल यही है, सवाल शैलेंद्र यही है यहाँ पर कि आखिर नियम तो बना दिए जाते हैं पर पालन कैसे होगा, कैसे पालन कराया जाएगा? चलिए फाइन तो लगा दिया जाएगा, पर क्या जो आप जिक्र कर रहे हैं, छोटे छोटे कस्बों में पुरानी गाड़ियां हो गई, कंडम गाड़ियां पहुंचा दी जाती हैं और लगातार उसका इस्तेमाल होता है, बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं, आखिर वहां पर रोक कैसे लगाई जाएगी, उसके लिए क्या पहल की जाएगी, ये भी बड़ा सवाल है। सुशील का रुख कर लेते हैं। सुशील, नियम बना दिए गए, चार्ट बना दिया गया, इतने पे इतना फाइन, इतने पे इतना फाइन, आखिर क्या ये काफी है, सिर्फ चार्ट बना देना काफी है? बिल्कुल सही कहा आपने, देखिए चार्ट बना देना या नियम बना देना या फिर जुर्माने की राशि बढ़ा देना ही काफी नहीं होता है। दरअसल इसके लिए प्रशासन को, परिवहन विभाग को पूरी मंशा के साथ काम करना पड़ेगा, तभी ये जो नियम है या फिर ये जो कानून है या फिर ये जो प्रयास है उनकी सफलता साबित हो पाएगी। क्योंकि हमने देखा कि ग्वालियर में भी जिस तरह से 50 दिन की मुहिम शुरू की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि अनफिट वाहनों को चेक किया जाएगा, जो ध्वनि प्रदूषण फैला रहे वाहन उनको चेक किया जाएगा, वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को, ये कार्रवाई तो शुरू हुई, लेकिन 2-3 दिन के बाद ही ये कार्रवाई अगर देखें तो कागजों में सिमट कर रह गई। हाँ, घंटे दो घंटे कार्रवाई पुलिस ने की, उसके बाद जो है इसकी खानापूर्ति हो गई, कोर्ट के आदेश थे इसलिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि ग्वालियर में भी अगर देखें तो, जैसा कि शैलेंद्र ने बताया, ग्वालियर में भी 12,000 से ज़्यादा ऐसे वाहन है शहरी क्षेत्र में परिवहन के जो धुआं उगलते हैं, उनमें कई वाहन अनफिट वाहन है। जब तक इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होगी, अनफिट वाहनों को नहीं हटाया जाएगा, तब तक जो है बात नहीं बनेगी। और दूसरी बात यही है कि जो वायु प्रदूषण फैलाने वाले वाहन हैं उन पर लगातार कार्रवाई होना, लगातार मॉनिटरिंग होना जब तक शुरू नहीं होगा, तब तक भले ही आप कितने ही नियम बना ले, कितने ही जुर्माने की राशि बढ़ा ले, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। सुशील, बात ये भी है कि प्रदूषण की आप जिक्र कर रहे थे, ध्वनि प्रदूषण का भी हम जिक्र करें यहाँ पर, तो ठीक है बहुत सारी गाड़ियां होती हैं और एक दो गाड़ी नहीं होगी, ऐसी लाखों गाड़ियां हैं जिनके हॉर्न चेंज करा दिए जाते हैं और बहुत ज्यादा उसका साउंड होता है, पर
ठीक है उनकी गाड़ी पर कार्रवाई होगी, पर उनका क्या जो हॉर्न लगा रहे हैं लंबे वक्त से, आखिर उन पर कैसे रोक लगेगी? सुशील हाँ बिल्कुल सही बात, देखिए वाहन पर रोक लगाना या जो भी नियम मैंने जैसे कि आपको बताया कि जब पूरी तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर जिस तरह का चार्ट बनाया गया है ना यहाँ पर कि निर्धारित की गई है राशि की, इसके लिए इतना जुर्माना, इसके लिए इतना जुर्माना, तो उसी तरह से पूरा चार्ट इन्हें तैयार करना पड़ेगा कि आखिर कहाँ कहाँ पर लूज पोल्स है वहां पर काम करना है। बिल्कुल सही बात है, देखिए जब तक ये मॉनिटरिंग नहीं होगी, शहर के अनफिट वाहनों को चिन्हित करना पड़ेगा, जो परिवहन शहर में हो रहा है, चाहे पुराने टेम्पो की बात करें, लोडिंग की बात करें, ट्रकों की बात करें, जब तक इनका परिवहन विभाग की मदद से, जब तक ट्रैफिक पुलिस और पुलिस विभाग जब तक इनको वेरीफाइड नहीं करेगा कि कितने वाहन अनफिट है, उनको हटाया जाना जरूरी है। इसके अलावा कितने वाहन है जो ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं, कितने वाहन है जो वायु प्रदूषण कर रहे हैं, जब तक इनकी चेक नहीं की जाएगी, लगातार मॉनिटरिंग नहीं की जाएगी, तब तक ये जो नियम है, ये कानून है, चाहे आप कितने ही चार्ट बना लो, लेकिन जब तक इन पर अमल नहीं होगा तब तक जो है स्थितियां परिस्थितियां सुधरेगी नहीं। कोर्ट अपनी जगह आदेश दे देती है, सरकारें अपनी जगह जुर्माना बढ़ा देते हैं, लेकिन उनको पालन कराने का काम होता है प्रशासन का, परिवहन विभाग का, ट्रैफिक पुलिस का। जब तक ये तीनों इकाइयां मिलकर काम नहीं करेगी और पूरी शिद्दत से मैदान में नहीं उतरेगी, तब तक ये स्थितियां बदलने वाली नहीं है। एक दिन, दो दिन, तीन दिन मुहिम चलने के बाद अगर ये प्रक्रिया बंद हो जाती है तो फिर एक हफ्ते बाद वापस वो अनफिट वाहन या धुआं उगलने वाले वाहन सड़कों पर आ जाते हैं। ठीक ठीक, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए।